हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग यहां पर आकर फेस करते हैं, वो ये है कि कंपनी जो है आपसे वीज़ा कॉस्ट चार्ज कर रही है। तो वर्क वीज़ा का क्या प्राइस है, वीज़ा कॉस्ट हमें कितना देना है कंपनी को, कंपनी बोल रही है 5,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, तो क्या इतना हमें देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अब इस टाइम पे, स्पेशली इस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ आने के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है तो कंपनी आपसे वीज़ा का पैसा मांगती है, यानी कि जो वर्क वीज़ा लगने वाला है उसका चार्ज आपसे मांगती है, भले आप एजेंट के थ्रू आते हैं या फिर खुद से जॉब लगाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है आपको, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर यूएई में कंपनी ने आपको हायर किया है, एजेंट की बात अलग है, अलग रखते हैं उसको भी, अगर आपने खुद इंटरव्यू दिया है, खुद इंटरव्यू फेस किया है, कंपनी ने आपको हायर किया है, तो मैं बोलूँगी कंपनी आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर सकती है, ये इलीगल है। आप जाके कंप्लेन कर सकते, ईजिली कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा, ठीक है। कहाँ कंप्लेन करना है, मौर्य में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, वीज़ा का पैसा कब मांगती है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले मांगती है, ठीक है। तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा कि कंपनी ने आपसे पैसे मांगे हैं, वर्बल होने से कुछ नहीं होगा, यानी कि कंपनी ने आपसे फ़ोन पे कहा, ये कहा, वो कोई प्रूफ नहीं है। आप ईमेल कीजिए कि वर्क वीज़ा का क्या चार्जेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूएई में, कंपनी प्रोवाइड करती है, आप देखिए वो लोग क्या मेल कर रहे हैं। आपके पास रिप्लाई होना चाहिए कंपनी के एचआर का, या आप जिससे भी कंपनी में डील कर रहे हैं उसका ईमेल आपके पास होना चाहिए। उस ईमेल की प्रिंट लेके आप जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए, ज़रूर से एक्शन होगा। और मैं यहाँ पे बोलूँगी बिल्कुल भी पैसे दे के वो आप जॉब मत लीजिए। वीज़ा, वर्क वीज़ा जो होता है यूएई का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी नहीं लगता, एक पैसा भी नहीं लगता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनने से लेकर एमिरेट्स आईडी आने तक, एक भी पैसा आपको नहीं देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप अगर देखेंगे कि अलग अलग कंपनीज है ना, कोई 3,000 मांगती, कोई 5,000 मांगती, कोई 8,000 मांगती है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये लोग आपसे जस्ट ऐसा एक अमाउंट लेते हैं वीज़ा का नहीं। अच्छा, सेकेंड साइड ये देखें कि अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना वीज़ा कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए वीज़ा का पैसा पहले ही ले लेती है। अगर कंपनी ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रही है कि आपको वीज़ा कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं, और इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा। तो अगर आपको जॉब पसंद है, आप जॉब करना चाहते हैं, फ्रेशर, आपको जॉब मिल गई है, तो इस कंडीशन में आप फिर भी दे सकते हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले छोड़ देते हैं कंपनी, तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलता है, और वीज़ा कंप्लीट करते हैं तो वीज़ा कंप्लीट होते ही वो पैसा आपको कंपनी वापस कर देती है, हालांकि इसके लिए भी पूरा एग्रीमेंट होता है। तो ये चीज़ फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा का चार्ज बिल्कुल भी आपने पे नहीं करना है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।